आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, वो तो सवाल में दिया गया कि एक कांच की नलिका जिसके तीन भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल चित्र में दर्शाए गए हैं, नलिका के बाएं सिरे पर पिस्टन द्वारा दाब लगाते हैं, यहाँ से हम लोग पिस्टन द्वारा दाब लगाते हैं जिससे नली में उपस्थित पारा जो है वो दाएं सिरे से 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बहता है इधर से। ठीक है बच्चों, तो नलिका में तीन बिंदु हैं ए बी सी से चिन्हित किए गए हैं। बच्चों ए बी सी आपको नहीं दिख रहा हूं तो मैं बता देता हूं, ये यहां पर है बच्चों ए, है ना, ये यहां पर है बच्चों बी और ये यहां पर है बच्चों हमारा सी, ये वाला है सी, ये वाला है जो है हमारा सी। ठीक है, ये ए बी सी आपको दिखता है, यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास बच्चों ए, ये हमारे पास में बी और ये है बच्चों हमारे पास में सी। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि वायुमंडलीय दाब इतना है तब पारे का घनत्व जो है वो 1.36 × 10⁴ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो जी जो है वो इतना लेना है। आपसे पूछा गया है कि बिंदु ए पर बहने वाले पारे की चाल क्या होगी, इस बिंदु ए पर बहने वाले पारे की चाल, बच्चों यहाँ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है ना, यहाँ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, यहाँ का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, सब जगह का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया है और ये ऊंचाई भी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर सबसे मेनली जो चीज है वो हम लोग सीधा सीधा एक ही सूत्र से निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सांतत्य समीकरण से। किससे? सांतत्य समीकरण से, है ना, समीकरण से। ध्यान से देखिए सांतत्य समीकरण क्या कहती है, वो ये कहती है ए इंटू वी जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, हमारा नियतांक आता है। ठीक है, तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर मान लिखना चालू करूं यानी कि ए वन वी वन बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास में ए टू वी टू हो जाएगा, है ना। तो ए वन कितना है बच्चों हमारे पास में, वो तो हमें निकालना ही है ना। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ का क्षेत्रफल जो है हमारे पास में वो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, तो ये तो आ गया मेरे पास में 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, इंटू वी ए, वी ए हमें पता नहीं है, बराबर ए टू, ए टू कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ का लिख लीजिए, ये कितना है हमारे पास में, जहाँ का भी आपको लिखना चाहो कहाँ का भी एक दिया हुआ है बच्चों हमारे पास में, ध्यान से देखिए ये दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि यहाँ से निकल रहा है बच्चों, है ना, 8 मीटर प्रति सेकंड से निकल रहा है, यानी कि सी पर निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, और इंटू ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ का वो हो जाएगा मेरे पास में 8। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर ने सेंटीमीटर स्क्वायर को कट कर दिया, इसने इसको दो बार कट कर दिया, यानी कि बी ए जो आ गया मेरे पास में वो आ गया 8/2 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड। तो जो बी ए का मान आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, वह हमारा एकदम सही जवाब है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।